हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? आज हम बनाने वाले हैं बंगाली रसगुल्ले की रेसिपी। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। हम पहले लेंगे फुल क्रीम वाला मिल्क 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर, और फिर शुगर लेंगे 3 कप। 2 लेमन का जूस लेंगे जो लगभग 2 टेबल स्पून निकल जाएगा, और उसमें थोड़ा पानी भी मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून अरारोट पाउडर और 1/4 कप मिल्क। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ होते हैं। अब हम सारे दूध को फुल आंच पर बॉईल कर लेंगे उबाल आने तक। जब अच्छी तरह से ये उबाल आ जाएगा तो हम इसे नीचे उतार लेंगे, और 2 मिनट बाद इसमें जो लेमन जूस था उसमें थोड़ा और पानी मिलाकर उसमें से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और चलाएँगे। उसे 3 बार में हमें इसे लेमन जूस को थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर देना है और हल्के हल्के चलाना है। हमें दूध को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, और फिर इसे 5 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे तो ये हमारा दूध फटकर तैयार हो जाएगा और इसका छेना बन जाएगा। और फिर अब हम इसे एक सूती कपड़ा लेंगे और उसे छन्नी पर रख कर इसको इसमें छान लेंगे। और अब हमने ये बैटर को छान लिया है, और अब हम इसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए और जो नींबू की खटास थी वो भी इसमें से निकल जाए। इससे हमारा छेना भी सॉफ्ट रहेगा। कपड़े को चारों तरफ से आहिस्ता से उठा लेंगे और इसको अच्छी तरह से एक पोटली सी बनाकर इसके पानी सारे पानी को अच्छी तरह निचोड़ देंगे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, वरना हमारे छेना जो है वो सॉफ्ट रह जाएगा तो रसगुल्ले ठीक से नहीं बनेंगे। और अब हमारा छेना बनकर तैयार है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हाथ की हथेली से अच्छी तरह से मैश करें। जब तक हमारा छेना बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता तब तक हम इसको मैश करेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम अरारोट को ऐड करेंगे और मस लेंगे। एक साथ हमें इसमें ऐड नहीं करना है, और आप अरारोट की जगह इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। इसे डालने से मैदा और यह अरारोट को डालने से इसे बाइंडिंग मिल जाती है थोड़ी। ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया छेना का, और अब हम इसमें से रसगुल्ला के लिए बॉल बनाएंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम सी बना रही हूँ, और मैंने इसमें कलर भी ऐड किए हैं। आप वाइट भी बना सकते हैं सारे। मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, तो एक पार्ट वाइट बनाया है, एक येलो कलर और एक ऑरेंज और एक ग्रीन। मैंने इसमें 4 कलर के रसगुल्ले बनाए हैं। और अब हम एक कढ़ाई रख लेंगे और उसमें सारी चीनी डाल देंगे, और कम से कम उसमें 2 से 2.5 कप पानी डालेंगे और फिर अच्छी तरह से चलाएंगे। और वो जो दूध हमने लिया था वो इसमें डाल देंगे ताकि हमारी चीनी में जो भी गंदगी हो वो साफ़ हो जाए, वो सब ऊपर आ जाएगी दूध के साथ। तो हम उसे निकाल देंगे और फिर तब इसमें हम अपने रसगुल्लों को डालेंगे। सारे कलरफुल रसगुल्ले जो हैं उन्हें हम एक जगह पकाएंगे, और वाइट वालों को अलग एक दूसरे पैन में पकाएंगे। ये हमने यहाँ सारे कलरफुल जो थे उन्हें ऐड कर दिया है, और उन्हें हल्के से टर्न कर देंगे, और फिर थोड़ी देर में लीड लगाकर इन्हें फुल फ्लेम पर पकाएंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट।
और ये अब हमने लीड लगा दी है। अब हम इनको फुल फ्लेम पर कम से कम 15-20 मिनट तक पकाएंगे। अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। इन्हें हल्के हाथ से टर्न करके इन्हें अभी और पकने देंगे, 5-7 मिनट पकने देंगे कम से कम। और ये हमारे वाइट वाले दूसरे पैन में अलग पक रहे हैं, इनको भी हम फुल फ्लेम पर पका रहे हैं। और ये फ्लेम को हटाकर हम अब चेक कर लेंगे, हमें 6-7 मिनट और हो गए हैं इन्हें पकाते हुए। ये हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो हम इसमें 1-2 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जिससे हमारा टेम्परेचर इसका कम ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये देखिए हमारे रसगुल्ले फिर से फुल फ्लेम पर पकने लगे हैं और इनका टेम्परेचर हाई हो गया है और ये वाइट वाले हमारे तैयार हो गए हैं। हमारे ये वाले रसगुल्ले कलरफुल वाले भी लगभग तैयार हैं। अब हम इन्हें थोड़ा फ्लेम को बंद करके थोड़ा चला लेंगे और 1-2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, हमारे रसगुल्ले देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये टेस्ट में भी अच्छे बने हैं। और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।